हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हिस्ट्री अड्डा। हिस्ट्री अड्डा में आपका स्वागत है। मैं अतुल सिंह। शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री पार्ट 9। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो दोस्तों, वो था सैयद वंश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर अगर शासन करने में बात करें तो ये जो सैयद वंश है, ये चौथा वंश था। इस वंश का जो शासन था वो 1414 से लेकर के 1451 तक दिल्ली पर था। उन्होंने तुगलक वंश के बाद अपने राज्य की स्थापना की थी। तो भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो वो होगा सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, ये था बहलोल लोदी। जी हाँ दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। उसने सैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, उसी को अपदस्थ करके यानी कि हटा करके दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। तो लोदी वंश का संस्थापक होगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों, ये समाप्त हुआ था 1526 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दोस्तों, ये वंश था लोदी वंश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो लोदी वंश था। इस वंश का संस्थापक, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, बहलोल लोदी था, जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश तो वो होगा लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? दोस्तों, वो कला थी स्थापत्य कला। जी हाँ दोस्तों, सल्तनत काल में भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ वो भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का मिश्रण था। इसीलिए दोस्तों, स्थापत्य कला को इंडो इस्लामी शैली भी कहा गया है। तो सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो वो होगा स्थापत्य कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो दोस्तों, सूफी परंपरा में पीर का मतलब होता है सूफियों का गुरु। जी हाँ दोस्तों, पीर से आशय गुरु से है। तथा अगर मुरीद से बात की जाए तो दोस्तों, मुरीद जो होता है वो शिष्य को बोला जाता है। यानी सूफी परंपरा में पीर गुरु को तथा मुरीद शिष्य को बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, ये प्रारंभ हुआ था फारस यानी पर्सिया से। जी हाँ दोस्तों, 10वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो रूढ़िवादियों प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन का जो सूत्रपात है वो फारस से हुआ था, जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फारस यानी कि पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा गया है? तो दोस्तों, वो कहा गया है अमीर खुसरो को। जी हाँ दोस्तों, तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगर अमीर खुसरो की बात की जाए तो ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, जिसे सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। तो तोताए हिंद तो वो होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो दोस्तों, वो हुआ था तमिलनाडु से। जी हाँ दोस्तों, अगर पूर्व मध्यकाल की बात की जाए तो पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत का जो तमिल क्षेत्र था यानी कि तमिलनाडु में भक्ति की दो संत धाराओं, अलवार यानी कि वैष्णो संत और नैनार यानी कि सौ संत का विकास हुआ था। तो अलवार संतों का आविर्भाव तो वो होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो दोस्तों, वो जो भाषा था वो था असमिया। जी हाँ दोस्तों, शंकरदेव असम के एक महान धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने ही असमिया भाषा का प्रयोग बहुतायात करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो राइट आंसर क्या होगा? असमिया। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य की स्थापना
किसने की थी? तो दोस्तों वो था संगम वंश ने किया था। जी हाँ दोस्तों, संगम वंश में किसने किया था? तो वो थे हरिहर और बुक्का। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश के शासक थे ये हरिहर और बुक्का, इन्हीं के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना तो वो होगा संगम वंश। नेक्स्ट, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया किसे? तो दोस्तों विजयनगर के शासकों के द्वारा तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो दोस्तों वो था हरिहर द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, गोवा को बहमनियों से सबसे पहले छीनने वाला जो शासक था वो विजयनगर का शासक हरिहर द्वितीय था। 1377 ईस्वी में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण जब अव्यवस्था हुई तो उसी का लाभ उठा करके गोवा को जीत लिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाली इटली के यात्री का नाम क्या था? तो दोस्तों वो था निकोलो डी कोंटी। जी हाँ दोस्तों, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में जो आने वाला इटली का यात्री था वो निकोलो डी कोंटी था, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो राइट आंसर होगा निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में आया? तो वो हो जाएगा देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण देवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों वो जो पुस्तक थी वो था अमुक्त माल्यद। जी हाँ दोस्तों, कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेवराय तेलुगु में अमुक्त माल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। तो कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो वो होगा अमुक्त माल्यद। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, कृष्णदेवराय के शासनकाल को ही तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। क्वेश्चन पूछता है बार बार कि किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? तो वो हो जाएगा कृष्णदेवराय। नेक्स्ट, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? तो दोस्तों विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम्पी कर्नाटक में है, यही जो है पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों एक बात हम्पी के बारे में बता दें, हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को हम हम्पी कहते हैं। हम्पी है कहाँ? तो वो होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों वो निर्माण किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हम्पी का जो खंडहर है वो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बने इस जो शहर के स्मारकों का जो समूह है उसका निर्माण हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों वो हुआ था 1565 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राज्यों जिसमें कई राज्य आते थे बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गुलकुंडा के मध्य लड़ा गया था। तो तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई तो वो हो गई 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।